चलो। जय मां पथरोल काली। आज है काली पूजा, दीपावली, और काली पूजा के शुभ अवसर पर मैं आ चुका हूं मां पथरोल काली के मंदिर प्रांगण में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लाखों के संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं माता रानी का दर्शन पूजा करने के लिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको पथरोल काली माता का दर्शन कराऊंगा, साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार का नज़ारा रहता है यहाँ पर काली पूजा के दिन। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो हम लोगों ने अभी गाड़ी पार्क कर दिया है और ये मेन रोड है जो कि मधुपुर जाती है, देख सकते हैं आप। मधुपुर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चलिए यहीं से चलेंगे मंदिर की तरफ। लेकिन पूरा जो है मेन रोड भी इस प्रकार से श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आज काली पूजा है। तो काली पूजा के दिन यहाँ पर आप अगर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको इस प्रकार से जो है बहुत सारे भक्त देखने को मिलेंगे, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं माता का दर्शन करने के लिए। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको माता का दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं आगे इस प्रकार से आपको जो है माँ काली द्वार पथरोल आपको देखने को मिल रहा हो आगे। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं माता काली के मंदिर के तरफ, और पूरे में जो है इस प्रकार से मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है। तो आज मेरे साथ धनंजय भी है, तो साथ में ही हम लोग चलेंगे माता के मंदिर के तरफ। तो चल देखिए अब हम द्वार के पास आ चुके हैं और यहाँ से आगे तो आपको सिर्फ जो है श्रद्धालु ही नजर आ रहे होंगे। तो भाई आधा घंटा लग गया इस भीड़ में मंदिर के गेट तक पहुँचने में। तो चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको माता का दर्शन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यही है रास्ता, इधर से ही हम लोग आए, तो लगभग आधे घंटे का समय लग गया यहाँ तक आने में। और ये रहा मंदिर का द्वार, अभी नया फिर से बन रहा है, और अंदर चलिए लेके चलते हैं आपको धीरे धीरे माता के मंदिर के प्रांगण में। अब मैं गेट से अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं माता के आंगन में किस प्रकार का नज़ारा है, कितने अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं माँ पथरोल काली का दर्शन करने के लिए। पूरा मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से भरा हुआ नज़र आ रहा है, देख सकते हैं पूरे में सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। तो चलिए किसी अच्छे जगह पर जाते हैं और वहां से आपको पूरा मंदिर प्रांगण अच्छे से दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अब मंदिर प्रांगण में आ चुका हूं और पूरा मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। मंदिर प्रांगण में सभी श्रद्धालु दिए जला रहे हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है माँ पथरोल काली मंदिर प्रांगण का, और सामने जो आप देख रहे हैं यही है माता काली का मंदिर। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज काली पूजा के दिन माँ पथरोल काली का मंदिर का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं हजारों लाखों के संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता का दर्शन पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर दिए जला रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे जा रहे हैं। मैंने तो आपको रास्ता दिखाया ही किस प्रकार का नज़ारा था, उधर पूरा रास्ता जाम था, यहाँ तक आने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। मैं कोशिश करूँगा मंदिर के अंदर जाके आपको माता का दर्शन कराने का, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का जो है नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ है मंदिर के द्वार पर। तो मंदिर प्रांगण में मैं अभी आपको रुक के ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ, देखिए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना ना भूलें। तो इधर तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से सभी श्रद्धालु दिया जला रहे हैं, पूरे में देख सकते हैं पूरा मंदिर प्रांगण इस प्रकार से जो है दिए से भर चुका है, और जो भी यहाँ पर सफाई कर्मी है वो भी लगे हुए हैं सभी दियों को साफ करने के लिए। और इधर जहाँ भी जगह मिल रहा है सभी श्रद्धालु यहाँ पर, आप देख सकते हैं इधर भी आके दिए जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं दूर से, क्योंकि वहाँ पर भीड़ रहता है तो अगरबत्ती जलाने से दिक्कत होता है, किन्हीं को जो है जलने का भी संभावना रहता है। तो इस प्रकार से आप भी अगर आते हैं किसी भी मंदिर में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगरबत्ती वगैरह आप जो है सावधानी से ही जलाएँ ताकि दूसरे श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इस प्रकार का नज़ारा आज माता पथरोल काली मंदिर का है जो कि मैंने आपको दिखाया। तो अब माता काली के मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं माता पथरोल काली का दर्शन करने के लिए। चलिए अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं का, आप तो देख ही रहे हैं। तो ये रहा माता का मंदिर, चलिए धीरे धीरे अंदर चलते हैं। चल तो माता रानी का दर्शन करने के बाद अभी बाहर आ चुके हैं, तो चलिए थोड़ा सा जो है बाजार का भी नज़ारा दिखाते हैं, दुकान वगैरह जो है ऊपर से ही दिखाते हुए चलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है तो दुकान दिख ही नहीं रहा। पूरे में जो है सिर्फ श्रद्धालुओं का सर ही नज़र आ रहा है, देख सकते हैं श्रद्धालु उधर से आ रहे हैं। तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं आपको दुकान नज़र ही नहीं आएगा, जो भी है दुकान में जो भी सामान लगाया गया ऊपर से ही आपको दिखेगा। इस प्रकार से इधर आप देख सकते हैं दिए वगैरह सारा जो है सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पूजा का भी सारा सामान यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पर फोटो वगैरह भी लेके जा सकेंगे यहाँ से माँ पथरोल काली का, और भी
जो भी आपको फोटो वगैरह खरीदना हो, और लोहे का जो है सामान आपका यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, तो देखा आपने, मैंने आपको पूरा मंदिर प्रांगण दिखाया और रास्ते में किस प्रकार का भीड़ था वो भी आपको दिखाया, दुकान वगैरह यहाँ पर लगा हुआ था वो भी आपने देखा, श्रद्धालु दिया जला रहे थे वो भी आपने देखा। तो आज जो है इसी प्रकार का नज़ारा यहाँ रहता है, पिछले कई दिनों से इसी प्रकार से श्रद्धालुओं का जो है भीड़ यहाँ पर आ ही रहे थे, सभी श्रद्धालु माता का दर्शन पूजा करने के लिए। तो आप भी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ जो है आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, यहाँ से नज़दीकी जो है रेलवे स्टेशन मधुपुर है जिसकी दूरी 5 से 6 किलोमीटर है, उसके बाद आप बस वगैरह से तो आ ही सकेंगे। तो चलिए आज मैंने आपको पूरा मंदिर प्रांगण दिखाया, माता का भी दर्शन कराया, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय मां पथरोल काली।